हेलो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे माइक्रोमैक की ओर से काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पे माइक्रोमैक का जो इन सीरीज का स्मार्टफोन आने वाला था उसका लॉन्च से पहले यहाँ पे बैक पैनल देखने को मिला है, जिस पे आपको एक शेप आपको देखने को मिल रहा है। एक शेप का जो पैटर्न है वो आपको इसके बैक पे देखने को मिल रहा है। और ये जो फ़ोन है आपको 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ में देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको मीडियाटेक के हेलियो P35 के प्रोसेसर के साथ में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोमैक इन सीरीज में स्मार्टफोन लेकर आ रहा है दोस्तों, यहां पे 3 स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मीडियाटेक का हेलियो P35 के प्रोसेसर के साथ में, जो कि इसका लोअर वर्जन होगा, और यहां पे एक आपको जो है हाइयर वर्जन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मीडियाटेक का हेलियो P35 या फिर हो सकता है यहां पे जो हाइयर वर्जन है उसमें आपको मीडियाटेक का हेलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहां पे माइक्रोमैक ने कंफर्म कर दिया है कि ये जो फोन है हमें 7 से 15 हज़ार के बीच के प्राइस में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इनके प्रोसेसर से ये बात साफ हो जाती है कि माइक्रोमैक इस बार काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो इसका लोअर वर्जन होगा उसमें आपको 13 MP के मेन सेंसर के साथ में डुअल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, और इससे जो हाइयर वर्जन होगा उसमें आपको 3 GB की रैम 64 GB की स्टोरेज देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप भी देखने को मिल सकता है। और जो सबसे लोअर वर्जन होगा उसमें आपको 2 GB की रैम मिलेगी, 32 GB की स्टोरेज भी आपको इस फोन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इतने सारे स्पेसिफिकेशन जो हैं वो कन्फर्म हो चुके हैं। साथ ही साथ बैक पे आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो देखने को मिलेगा। 5000 mAh की दोस्तों बैटरी भी आपको इस फोन में देखने को मिलने वाली है। 6.58 इंच की जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिलेगी। HD+ का रेजोल्यूशन ही आपको जो है माइक्रोमैक के इन फोन में देखने को मिलने वाला। हो सकता है मीडियाटेक के हेलियो G85 वाले प्रोसेसर वाले फोन में आपको जो है फुल HD+ का रेजोल्यूशन डिस्प्ले पे देखने को मिल जाए, लेकिन अगर डिस्प्ले पे हमें पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है तो ये जो फोन है माइक्रोमैक का काफी अच्छा रहेगा।